गुरुवार को काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के त्र्यंबकेश्वर सभागार में मंदिर अर्थव्यवस्था एवं धर्म क्षेत्र विकास का राष्ट्रीय उन्नति में योगदान विषयक संगोष्ठी का आयोजन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा इंडिया थिंक काउंसिल के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मिजोरम के महामहिम राज्यपाल के हरिबाबू थे, जो कि दो दिवसीय धार्मिक यात्रा पर वाराणसी में आए हुए हैं। राज्यपाल ने बताया कि सनातन परंपरा में बहुदेव पूजन प्रथा और मान्यता का परिणाम है कि भक्त अलग अलग स्थानों पर अपने आराध्य दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और तीर्थ यात्रा की समस्त आवश्यकताएं अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं। मंदिर की अर्थव्यवस्था से नए रोजगार सृजन तथा व्यापार को बढ़ावा मिलता है तथा समाज के हर वर्ग को अवसर मिलता है, भले ही वह किसी अन्य धर्म का अनुयायी हो। काशी मंदिर परिसर के भ्रमण के उपरांत राज्यपाल अत्यंत प्रसन्न थे। वह अपनी पहली काशी यात्रा पर आए हैं और उन्होंने कहा, काशी आकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पहली बार आए हैं। महामहिम ने कहा, मंदिर की व्यवस्था और सौंदर्य अत्यधिक प्रभावशाली है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत के प्रत्येक राज्य के ट्रेवल ऑपरेटर के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाई जाए जिससे उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के टूर पैकेज का विकल्प पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इससे निकटवर्ती पहाड़ियों, जलप्रपातों, बड़ी वाटर बॉडीज एवं अन्य धर्मस्थलों इत्यादि के समेकित विकल्प के एक पैकेज में उपलब्ध होने पर और भी अधिक तीर्थयात्री काशी दर्शन हेतु आएंगे। संगोष्ठी में मंदिर के न्यासी सदस्य और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वत आचार्य जन तथा वैदिक विद्वान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वागत संबोधन न्यास के सदस्य ब्रजभूषण ओझा ने किया। तत्पश्चात काशी महात्म्य तथा कॉरिडोर के विकास पर विस्तृत प्रकाश प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर जनार्दन माधव रटाटे जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। महामहिम के विद्वतापूर्ण संबोधन के पश्चात धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी विष्णु भूषण ने कहा कि काशी में यह स्थापित मान्यता है कि किसी देव विग्रह की विश्व में कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा तब तक नहीं पूर्ण होती जब तक उसकी अंश स्थापना काशी में न की जाए। यही कारण है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, चारों धाम समेत समस्त पौराणिक मंदिरों की प्रकृति यहाँ से स्थापित है। इसी प्रकार यह भी स्थापित मत है कि किसी विद्वान की विद्वता तब तक मान्य नहीं होती जब तक उसे काशी का विद्वत समाज मान्यता न प्रदान करे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित यह विद्वत सभा निश्चय ही महामहिम को आज विद्वता के क्षेत्र में स्वीकार्य करती है। ऐसा सभी की प्रतिक्रिया से सिद्ध हो गया है। कार्यक्रम का संचालन इंडिया थिंक काउंसिल के निदेशक सौरभ पांडे ने किया। पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज आर विजिटिंग इंडिया टू अवेल द मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल सर्विसेज। दैट इज हाउ वी कैन say that medical tourism is also flourishing in the country. More than that, of all tourism practices, religious tourism is the most important factor which contributes to the economy in India.